नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 दिसंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट सीट 2022 की अपडेट को देखने वाले हैं और बात करेंगे यूपी टेट सीटेट सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट के बारे में। DLED स्कूटनी रिजल्ट के हर एक अपडेट को देखेंगे, बात करेंगे फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को लेकर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शिक्षक भर्ती के हर एक अपडेट को देखेंगे, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में मिले रिक्त पदों में अंतर। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट को देखेंगे जो कि आरक्षण मामले में TGT PGT भर्ती में पद बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन भी जारी है। उसके बाद दोस्तों बात होगी DLED परीक्षा डेट शीट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फेल छात्रों के लिए अगर मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का तो यहाँ पर डेट बढ़ाई जाती। उसके बाद द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, चतुर्थ सेमेस्टर। अभी कुछ बच्चों के मन में डाउट है भैया पेपर की डेट शीट को लेकर, एक बात क्लियर कर दें, 19 तारीख से पेपर शुरू हो रहा है 19 दिसंबर से सेकेंड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान दें, 22 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। एडमिट कार्ड 1 से 2 दिन पहले मिल जाएगा, 19 दिसंबर से पेपर है तो मतलब 17 या 18 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड वितरित हो जाएगा। 22 तारीख से पेपर है तो 20 या 21 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट है, भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है, ठीक है। हर एक अपडेट पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए, काफी बच्चे अपडेट को मिस करते हैं, बाद में परेशान होते हैं, ठीक है गाइस। तो कोई भी खबर देखिए आपसे छूटने ना पाए, हर एक अपडेट पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस अपडेट को जरा देखिए, आरक्षण मामले को लेकर अपडेट है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं या एससी कैटेगरी के छात्र हैं तो ये आपके लिए जरूरी है। मामला क्या है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर हुई सुनवाई, अभ्यर्थियों को दोहरा आरक्षण देने का आरोप है। लखनऊ से अपडेट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ के समक्ष इस मामले में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई, अब कोर्ट इन पर फैसला सुनाएगा। याचिकाओं का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा TET तथा अध्यापक सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता अम्बेदनाथ त्रिपाठी के माध्यम से बहस की, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक अर्हता परीक्षा है तथा इसमें दी गई अंकों की छूट या आरक्षण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरण में लागू नहीं होते, यह उस परीक्षा का भाग नहीं है। तो हर एक अपडेट पर आप लोगों की जानकारी इसलिए कहते होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत, अगर आप लोग के पास जानकारी तो सब कुछ सही होगा। अब देखिए हुआ क्या कि जिन बच्चों की 3 बार बैक लग गए उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बार नहीं भरा गया, या प्रत्यावेदन की बात कर लीजिए, तो मामला कोर्ट में चल रहा है, उम्मीद अब कोर्ट से ही है, ठीक है। अगर PNP चाहती तो एक मौका दे देती, मामला कोर्ट में जाता ही ना, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य अब अधर में है, देखते हैं क्या होता है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी रिजल्ट के लिए आपको वेबसाइट पता है सिर्फ dledresult.com, जहां से आप लोग अपना प्यारा सा रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले स्कूटनी रिजल्ट पर सभी बच्चों की निगाहें लगी हुई हैं कि स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हो जाती है। तो इस अपडेट को जरा देखिए जो कि प्रयागराज से है। नियुक्ति में विलंब के कारण राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों पर चयनित तकरीबन 1,500 अभ्यर्थियों को 1-1 लाख रुपए की चपत लग चुकी है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है, एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने हैं, लेकिन शासन स्तर से कार्यक्रम का समय ही निर्धारित नहीं हो पा रहा। सोचिए गाइस कि नियुक्ति में भी लेट लतीफी से बच्चों का नुकसान होता है। अगर हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो आपको बता दें 6,800 सीटों पर आरक्षण मामले में एक चयन सूची को जारी किया गया था चुनाव से पहले, चुनाव के टाइम, ठीक है। अभी तक उन बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अब अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान होता है बच्चों का। जब आप लोग नौकरी पाएंगे ना, तब आप लोग ये फील करेंगे कि भैया ठीक है कि कितना ज़्यादा धोखा होता है। सोचिए तकरीबन हर महीने 40 से 45 हज़ार का बच्चों का नुकसान हो रहा है, एक महीने कितनी सैलरी होती है। यहाँ पर आप लोग का 100 रुपये गिर जाता होगा, 2 दिन तक नींद नहीं आती होगी। यहाँ 40 हज़ार का नुकसान पर मंथ बच्चे उठा रहे हैं, जिनका नाम उस लिस्ट में है जिसमें ये कन्फर्मेशन है कि आपका चयन हो चुका है आरक्षण मामले में जो विसंगति थी उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये सब गाइस मामले होते हैं, हर एक अपडेट पर इसीलिए कहते हैं आप लोग की नज़र होनी चाहिए। एक महीना लेट लतीफी से कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों का,
ठीक है, कुछ बातें बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बाकी परीक्षा डेट शीट की जो भी अपडेट आएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अभी ऑफिशियल डेट शीट जारी होना बाकी, लेकिन हमने आपके सामने रख दिया है कि ऐसी डेट शीट आएगी, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। देखिए गाइस एक बात हम आपको क्लियर कर दें, जो ये परीक्षा डेट शीट हम दो तीन सेमेस्टर करा कर 19 तारीख को आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रति यही पेपर होना चाहिए। थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, बदलाव वैसे करेंगे नहीं, करेंगे तो कहाँ करेंगे, टाइमिंग में चेंजेस हो सकता है। देखिए लास्ट टाइम जो पेपर होता था पिछली बार से पहले, पहला पेपर 10 से 12 होता था, दूसरा 2 से 4, लेकिन लास्ट टाइम नियम चेंज हो गया, दूसरा पेपर 1:30 बजे से लेकर 3:30 तक कर दिया गया। ठीक है, अगर बदलाव होगा तो टाइमिंग में हो सकता है, बाकी और कहीं पर उम्मीद नहीं करेंगे तो बेहतर है। तो गाइस जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस आप लोग जो परीक्षा की तैयारी है ना उसको बेहतर तरीके से करिए। ठीक है, लापरवाही की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग बाद में परेशान हो जाते हैं। तो टीजीटी पीजीटी में भर्ती पद बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन है। देखिए गाइस यहाँ पर डीएलएड छात्रों को मौका नहीं मिलता टीजीटी वैकेंसी में, लेकिन बीएड छात्रों को बराबर मौका मिल रहा है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। अभी केवीएस में वैकेंसी आई है, मामला कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं क्या कोर्ट से अपडेट आती है। एक और मामला कोर्ट में गया था बीच में, इस पर भी अपडेट आई थी कि बीएड छात्रों का जो सीटेट का एडमिट कार्ड है वो जारी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हर एक अपडेट पर भी आप लोग अपनी नज़र बनाए रखा करिए, ताकि कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। तो ठीक है, ये सब बातें हो गई। उसके बाद एडेड जूनियर स्कूल वाली जो अपडेट थी वही थी जो हमारी 1504 सहायक अध्यापक के पद थे, कितने 1504 और 390 प्रधानाध्यापक के पद। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं जिस पर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। छोटी वैकेंसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी हमारी 69,000 भर्ती थी, जिसमें आप लोग छूट गए, मौका नहीं मिल पाया आप लोगों को। 68,500 शिक्षक भर्ती एक बड़ी वैकेंसी थी, और सरकार ने दावा किया था कोर्ट में कि 51,112 पदों पर ये वैकेंसी निकालेंगे, जिसमें शिक्षा मित्रों को भी ये मौका देने को तैयार है। ठीक है, मौका मतलब उनको भारांग मिल जाता है, ठीक है, उनको फ़ायदा देने की बात होती है। मौका तो वैसे आपको भी मिलेगा, लेकिन आप लोग को कोई भारांग फ्री के नंबर नहीं मिलेंगे, बस वही होता है उनको मौका देने की बात। तो हर एक अपडेट पर हम लोग की नज़र होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है, बाकी कहीं पर देखिए लापरवाही की कोई गुंजाइश ना बने गाइस, नहीं तो फिर वही होता है, रिजल्ट खराब हो जाता है, आप लोग की मेहनत पर पानी फिर जाता है। याद रखिए मैथ्स और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट पर फोकस करके रखना, इस बार बैक नहीं लगने देना है। ठीक है, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा गाइस अगर मैथ आपकी अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश में भी फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है इंग्लिश में फेल होने का, रीज़न ये है कि इसमें भी भैया वही मैथ वाला नियम चलता है, एक छोटी सी गलती 0 नंबर, तो इंग्लिश में भी यहाँ होता है छोटी सी गलती 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रामर पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, जब ग्रामर ज़्यादा हो तो सीधी बात है आप गलती नहीं कर सकते। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।